और ये देखें एक वायरल स्टोरी हुई, कौन सी वायरल स्टोरी है दिखाइए जरा। सो आइए वेलकम करते हैं वायरल गर्ल आयशा। आपका भाई आ चुका है नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम बड़े ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आपने थंबनेल देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा कि यार मैं आज किसकी बात करने वाला हूँ। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं, ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारे माशरे में सुसाइड रेट भी बढ़ रहा है और जो टैलेंटेड लोग हैं वो भी डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। इवन के कुछ लोग पाकिस्तान से भी बाहर जा रहे हैं और कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। यार ये कैसा ट्रेंड पैदा किया जा रहा है जिसकी वजह से सब कुछ लोके जा रहे हैं। तो बॉय सीन कुछ ये हुआ कि कुछ दिन पहले ये जो गर्ल है ग्रीन ड्रेस में, इन्होंने कुछ दिन पहले अपनी एक डांस की वीडियो बनाई थी, इनके दोस्त की शादी थी तो इन्होंने डांस किया और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। लोगों ने धड़ाधड़ उसको शेयर किया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, हर जगह जहां खोलो आपको यही देखने लगी। ऐसा क्या हुआ कि भाई ये वायरल हो गई, ठीक है। अगले दिन जनाब इनको वो जो हमारी मासी हैं निदा यासिर, उन्होंने अपने टीवी शो में बुला लिया। जैसे ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया डांस करके ठुमके लगा के, तो इन्होंने एज अ गेस्ट इसको बुला लिया कि भाई इनको बुलाना चाहिए, इससे टीआरपी मिलेगी, रेटिंग बढ़ेगी। तो भाई इन्होंने बुला लिया, ठीक है। अब इससे होता क्या है, देखो लोग बहुत मेहनत करते हैं आगे आने के लिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा यार, यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि एजुकेशन की फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी करके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मेडिकल की फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हर इवन के मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके बावजूद बेचारों को आगे आने का मौका नहीं मिलता क्योंकि इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि जब तक आप बेहयाई में आगे नहीं निकलोगे ना तब तक कुछ नहीं होता। तो भाई ये बाजी डांस करके बहुत आगे चली गई, ठीक है। अब इनका सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो गई कि भाई इन्होंने 3 दिन में 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए कमा लिया। अब ये मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन इतना मुझे पता है कि यार इनको हफ्ते के अंदर ही 3 ब्रांड का एम्बेसडर भी बना दिया गया है, 4 कमर्शियल्स भी मिल चुकी हैं और मूवी भी मिलने के चांसेस हैं। तो भाई अंदाजा लगा लो ये कहां से कहां पहुंच जाएंगी, और इनका फ्यूचर सिक्योर हो चुका है क्योंकि इन्होंने तो कारनामा अंजाम दिया ना। आसान तो नहीं होता ना इस तरह की हरकतें आके आप सोशल मीडिया पे करो, अच्छे फैमिलीज के लोग तो इस तरह की चीजें नहीं करते। और निदा यासिर तो वैसे भी गलत चीजों को प्रमोट करने में नंबर वन है, फजूल काम करवाने में नंबर वन है। तो ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक दनानीर थी जिन्होंने पार्टी गर्ल के नाम से जो मशहूर थी, तो वो भी ऐसी मशहूर हुई थी। आज वो इतनी करोड़पति औरत है ना कि आपकी सोच है, इतनी ब्रांड्स उनके पास हैं, मूवीज कर चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी हैं, क्या किया, सिर्फ एक वो वीडियो बनाई थी पार्ली गर्ल पार्ली गर्ल पार्ली गर्ल। अरे यार देखो यार, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, अहमद शाह जिन्होंने सिर्फ पीछे देखो किया और आज वो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है, रोज शोज में बैठे होते हैं, सब कुछ कर रहे थे। यार क्यूटनेस है, बिल्कुल है, लेकिन उस जैसे और भी बच्चे हैं जिन्होंने 12-12 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशन ली है, कैसे कैसे एप्लीकेशंस बनाई हैं, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उनको निदा यासिर ने कभी शो में नहीं बुलाया। क्योंकि भाई जितना भांडा काम करोगे ना उसी के बाद ही आपको आगे जगह मिलेगी, सीधा काम करने वाला कौन पूछता है। लकी वन मॉल में ग्रेजुएट लड़के ने ऊपर से टॉप फूड कोर्ट से नीचे छलांग मार दी, वो भी ग्रेजुएट था, इवन के गोल्ड मेडलिस्ट था, जॉब नहीं मिल रही थी, उसने फ्रस्ट्रेट होकर डिप्रेस्ड होकर ऊपर से छलांग मार दी, लेकिन उसका कभी जिक्र नहीं किया गया कि यार क्या कैसा सिस्टम है, कैसे लोगों को नुकसान हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है। बस ये हमारा मीडिया है और कुछ हम लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे इनको देखते हैं और पागलों की तरह स्टोरीज लगा देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं कि भाई वाह 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 क्या काम किया यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सिर्फ अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाली बात है, अच्छी फैमिलीज के लोग इस तरह की चीजें नहीं करते। अच्छी फैमिलीज से आने वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं कि यार मैं कभी ना कभी तो हमारा दिन आएगा, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि आजकल ट्रेंड ऐसे सेट हो चुके हैं, ऐसे ही लोग मशहूर होते हैं, अहमद शाह, दनानीर, आयशा, ये यही लोग आगे जाने हैं। अब 3 करोड़ उसने भाजी ने कमा लिए, 3 करोड़ का मतलब ये होता है कि यार पाकिस्तान में जितने मतलब बड़ी बड़ी सीटों पे लोग बैठे हुए ना वो पूरी जिंदगी गुजार रहे थे, 3 करोड़ फिर भी जाके बड़ी मुश्किल से होता है, और ये 2 दिन में जाके कमा के बैठ गई,
तो भाई ये सिस्टम बहुत खराब हो रहा है, ये इससे आने वाले टाइम में बहुत नुकसान होंगे, लोग डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, लोग मेहनत करना छोड़ देंगे ऐसी चीजों की वजह से। जब नॉन डिजर्विंग लोग, नॉन ऐसे लोग जिनको अपनी इज्जत का, अपने खानदान से रिलेशन, इस चीजों को कोई ताल्लुक नहीं होता ना, वो लोग आगे जा सकते हैं। नॉर्मल फैमिलीज वाले, मतलब अच्छी फैमिलीज वाले लोग आगे नहीं जा सकते। तो ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को पर्सनल अटैक करना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये बनाना था कि यार हमारा माशरा गलत चीज की तरफ जा रहा है, इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करें यार, नहीं करें। सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीजों को इग्नोर मारें। मुझे पता है यार इंटरटेनमेंट मिलती है, इंटरटेनमेंट से ही बंदा आगे निकलता है, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में तो सोचे ना यार, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, डिग्रियां कर करके 20,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, अपना कंटेंट, इवन के यूट्यूबर्स भी बहुत सारे हैं, इसमें मोरू है, इरफान जुनेजो है, यार इन्होंने 8-8 साल कंटेंट बनाया तब ये जाके थोड़ा सा कामयाब हुए हैं, ठीक है। तो ये आसान बात नहीं होती, एक रात में बैठ के इस तरह की चीजें कर लेना गलत है। इवन के गर्ल्स की बात की जाए तो बेचारी कितनी मेहनत करती हैं, हर फील्ड में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही होती हैं कि यार फैमिली को सपोर्ट मिल जाए या आने वाला अपना फ्यूचर सेट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता, ठीक है, और जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन गलत तरफ चला गया है। कॉम्पिटिशन ये नहीं देखता कि किसने क्या किया, कॉम्पिटिशन ने ये देखता है कि किसने कितना गिरा हुआ सब कुछ किया है, और ये गिरे हुए लोग हैं जो कि आगे जा रहे हैं, और हमारा माशरा गलत चीज की तरफ धकेला जा रहा है और टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है। तो यार आज की वीडियो बड़ी सीरियस टॉपिक पे मैंने बनाई है, अगर आपको लगे कि यार मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मजीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।